गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडा घाट। तीन युवकों से पकड़ा चिट्टा, पुलिस ने नशा कब्जे में कर किए गिरफ्तार। भयंकर लपटों ने जला डाला जंगल, जीव जंतुओं को भी पहुंचा नुकसान। धू धू कर जले जंगल, उजड़ गए वन्य जीवों के आशियाने। हड़ताल पर डटे अनुबंध कर्मचारी, वित्तीय लाभ न मिलने पर हल्ला बोल। और अब समाचार विस्तार से। ऊना शहर के वार्ड नंबर 8 में पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन युवकों से 27.36 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिटी पुलिस टीम ने गत बुधवार साय शहर के वार्ड नंबर 8 में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान पुलिस ने बाइक पर आए दो युवकों अनमोल ठाकुर व जसवीर ठाकुर को चेकिंग के लिए रोका तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। पुलिस ने शक होने पर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 27.36 ग्राम चिट्टा पाया गया। इसके कुछ देर बाद बाइक सवार एक स्थानीय युवक गगनदीप के पास से भी 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत हार चकिया वन बीट के तहत धार कला में भीषण आग लगने से जंगल राख हो गया, जिससे वन संपदा सहित जंगली जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के कर्मचारी व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग को तो बुझा दिया गया लेकिन जंगल में जल रहे चीड़ के पेड़ों में लगी आग को नहीं बुझा पाए, जिस कारण बुधवार शाम को फिर से आग भड़क उठी। सुबह तक सारा जंगल जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने में पूरी मेहनत लगा दी लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया गया। सुबाथू से सटे रनों गांव के नजदीक जंगलों में फैली आग की लपटों से वन संपदा और वन्य जीवों के आशियाने उजड़ गए। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी भड़कती आग पर काबू पाने के लिए जंगलों में उतरी। बुधवार देर रात तक दोनों विभागों की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। आज सुबह आग पर काबू पाया गया। इस बारे वन परिक्षेत्र अधिकारी चंडिका शर्मा ने बताया कि आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं आग कैसे लगी इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चाइल्ड रोड कंडा घाट सोलन। The Delhi World Public School with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation is located in Solan district in Kanda Ghat in Himachal Pradesh on Chail Road is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills with its pristine beauty with a sparkling stream flowing on one side adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board with all three streams available, science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including pottery, handmade paper and recycling of it with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with a provision of e-library. We have spacious, comfortable and well-lit classrooms catering to all age groups with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of two children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries,
कॉन्टैक्ट 9882040097 और 7559640097। वन विभाग द्वारा चलाई गई विकास परियोजना के तहत मंडी में कार्यरत वेतन व अनुबंध कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी है। आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बंधुआ मजदूर प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंधुआ मजदूर प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस परियोजना में कर्मचारी हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा कार्यरत हैं। दैनिक वेतन व अनुबंध कर्मचारी प्राकृतिक संसाधन समिति मंडी इकाई के अध्यक्ष बग्गा राम ने बताया कि परियोजना मंडी में वर्ष 1990 से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें वर्षों से कोई भी नियमित व वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि समस्त कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश व वन विभाग द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति सोलन से मांग है कि 19 अप्रैल 2017 जब से पॉलिसी लागू हुई है, इस तिथि से समस्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया जाए। यहाँ पर आए हुए मीडिया कर्मचारियों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। हमारे जो आज 1 जून 2022 के जो हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वेतन वृद्धि के बारे में। हमारी एक वन विभाग की परियोजना से, वन विभाग की तरफ से जो हमारी परियोजनाएं चली हैं, उसमें हमारा एक ही मुद्दा है वेतन वृद्धि का। हमारी एक सरकार ने 19/2017 को एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी में जिसमें हमारे वेतन वृद्धि के बारे में जो भी उन्होंने हमारे को देने का आश्वासन किया था, वो आज तक हमें नहीं मिला हुआ। हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं, जो हमारी वेतन वृद्धि के बारे में जो पॉलिसी बनी है उसको लागू किया जाए। और आज हमारे पूरे हिमाचल में जितने भी यूनिट हैं, सब लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, और हमें सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि हमारी जायज़ मांगों को तरफ ध्यान दिया जाए और उनको लागू किया जाए। मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।